मान के चलो जब से ये लैपटॉप चल रहा है, अब 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट खुलता नहीं है, तो इसका भी यही कारण होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है, लेनोवो का आइडियापैड 330 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही इसमें विंडो बहुत ही स्लो खुलती है। हम आपको बताते हैं हर वीडियो में कि विंडो 10 हमारी हार्ड डिस्क जो होती है, जो हार्ड डिस्क HDD जो होती है, उसमें विंडो 10 बहुत स्लो चलती है। कारण क्या है, कारण इसका ये है कि विंडो 10 में जो हिडन फाइल होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, वो फाइलें बहुत हैवी होती हैं और हमारी हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ही कम होती है, जिस वजह से हमारी मशीन स्लो परफॉर्मेंस करती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। इसे ठीक करने के लिए क्या इलाज है इसका, इसका इलाज ये है कि हमें इसकी SSD, इसमें हार्ड डिस्क की जगह SSD लगानी पड़ेगी। SSD का क्या होता है, SSD की जो डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क में एक मीडिया होता है जो घूमता है, उसमें इस वजह से हमारा डाटा ट्रांसफर स्पीड कम होती है। और जो SSD होती है वो एक चिप टाइप होती है, उसमें हमारी डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिस वजह से हमारी लैपटॉप की परफॉर्मेंस की स्पीड बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत फास्ट हो जाता है। मान के चलो जब से ये लैपटॉप चल रहा है, अब 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट खुलता नहीं है, तो इसका भी यही कारण होता है कि हमें इसको अब SSD में अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो हम इस लैपटॉप में अब आपको SSD लगाते हुए दिखाएंगे। तो इसकी SSD कैसे लगाते हैं, कौन सी इसमें SSD लगेगी, हम इसमें मॉडल में बता देते हैं। आइडियापैड 330 i3 i5 तक आए हैं। i3 में ये 6-7 जनरेशन तक होता है, i5 में भी 6-7 जनरेशन ही आया है। इसमें M.2 का ऑप्शन नहीं होता है, इसमें SSD साटा ही लगेगी, साटा ही SSD इसमें हमें लगानी पड़ती है, जो हार्ड डिस्क निकल के लगती है हार्ड डिस्क की जगह। तो हम आपको दिखाते हैं हम उसको कैसे लगाते हैं। आप देखोगे अब तक हमारी मशीन ऑन नहीं हुई है SSD में, यदि ये मशीन होती तो अब तक पूरी खुल के काम करना शुरू कर देती। यही कारण है कि हमें अब हार्ड डिस्क से SSD पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें इसकी SSD चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा खुला हुआ लैपटॉप है, ये देखोगे इसमें जो DVD राइटर है वो डमी लगा हुआ है। तो इसमें देखोगे ये DVD डमी लगा हुआ है, हमें इसकी SSD चेंज करनी है, तो हमें हार्ड डिस्क निकाल के ही इसकी SSD चेंज करनी पड़ेगी। OS इंस्टॉल करने के बाद हमारी मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बिल्कुल एक नंबर। ये हमने अब इसमें SSD इंस्टॉल कर दी है, अब हम इसमें विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। आप देखोगे कितनी सुपर फास्ट तरीके से हमारी विंडो इंस्टॉल होगी इस मॉडल में। जब SSD लग जाता है तो हमारी SSD की ये मशीन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, सुपर फास्ट मशीन हो जाती है। हमने कई केसेस में देखा है कि बंदे सोचते हैं कि अब हम यार छोड़ो, अभी इसे और ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, पुराना हो गया है, दूसरा ले लेते हैं, कि भाई चलता तो है नहीं, स्लो चलता है, इस टाइप की ये प्रॉब्लम करता है। तो अब जब SSD लग जाती है तो हमारी मशीन की स्पीड सुपर फास्ट हो जाती है, क्लिक करते खुलने लगता है और आपका OS वगैरह सुपर फास्ट हो जाता है सारी चीज़ें। तो वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। SSD लगा के इसमें हमने 500 GB की साटा SSD लगाई है, हार्ड डिस्क बारिश की निकल गई है। हार्ड डिस्क का इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इस मॉडल में, और कुछ मॉडल होते हैं जिनमें हमारा हार्ड डिस्क के साथ SSD लग जाती है, नहीं तो कैडी में लगा के DVD की जगह लगा देते हैं। ये आप देखोगे अब हमने SSD लगा दी है, और हमने आपको हार्ड डिस्क पे भी स्टार्टिंग पे दिखाया था कि हमारी मशीन कितनी स्लो चलती है। अब आप देखोगे हमारी मशीन क्लिक करते खुलने लगी है। अब मैं इसको शट डाउन करके एक बार दोबारा ऑन करके आपको दिखाता हूँ कितने कम समय में ये सब करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमें SSD इंस्टॉल करनी चाहिए। ये आप देखो हमारी मशीन अभी शट डाउन होने में थोड़ा टाइम लेती है। लाइटिंग दिखा देता हूँ, अभी लाइट जली हुई है इसकी, जैसे ही लाइट बंद होगी, अब आप देखो लाइट बंद हो गई है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ।
ये मैंने मशीन ऑन कर दिया और आप देखोगे कितनी जल्दी ये मशीन हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो SSD का बहुत बेनिफिट है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी मशीन नहीं चल रही है, दिक्कत कर रही है, फेंक देंगे इसको, ऐसा ना करो, फेंको मत मशीन को, उसमें SSD लगवाओ और सुपर फास्ट स्पीड का आनंद लो। ये हमारी मशीन रेडी हो गई है। तो कितनी जल्दी, कितनी सुपर फास्ट तरीके से खुली है, और हार्ड डिस्क पे तो अब तक ये घूमता ही रहता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।